सर वो जैसे वो कहते हैं ना, आप धुनी देते हैं तो इसलिए आपके जो है इंटरनल धुनी है, ये अंदरूनी जरासीम जो है वो आप सबसे पहले होते तो हैं। आप कैमरे की तरफ देखें ना। हाँ जी, हाँ जी अब सर। इधर उधर क्यों, इधर कैमरा हाँ इधर जी है। सर, मैं आप कैमरे के अंदर तो नहीं घुस सकता ना सर। अच्छा तो सिगरेट पीने से क्या मिलता है? धुआं। हाँ जी उससे फ़ायदा क्या होता है उस धुएं सर, से? बताया तो आपको, अंदरूनी जरासीम जो है वो मरते हैं। मरते हैं। सही। और कौन कौन मरता है उससे? मरने वाले सर मर जाते हैं, जिसने मरना है उसने तो मरना है। हाँ मौत तो लिखी हुई है। हाँ वो तो कुएं में छलांग मार दो, मौत तो लिखी हाँ हुई है। आ तो आई होगी, तो ट्रेन मरते के हैं आगे वो, खड़े हो जाओ, मौत तो लिखी हुई है। जाहिर सी बात है। बस के नीचे आ जाओ, बिल्कुल मौत तो लिखी हुई। बिल्कुल आप कैमरे की तरफ देखें, आप इधर उधर जी की जी देखें। सर। चले जी, ये हमारे अदनान भाई थे रिट्ज़ कार्ल्टन रियाद से, और ये बहुत बड़े स्मोकर हैं, लेकिन ये मानते नहीं हैं। ये कहते हैं मैं आज छड़ देनी कल छड़ देनी। इंशाल्लाह देखो। ये आपको मैं सही बंदा बताता हूँ, आपका जो इसको सही एलेबोरेट करके जो बताएंगे वो मिस्टर वकार है। वो इधर तो नहीं है? आप उनसे ये सवाल पूछिएगा, तो उसके बाद जो है फिर ये टेलीकास्ट जो है हाँ वो वो तो खैर लाइव कीजिए। थोड़ा अनसेंसर्ड सा होगा हाँ ना, जी। वो नहीं हमें चाहिए, नहीं आपको वही चाहिए, वो यूट्यूब वाले बैन कर वो देंगे। आपको कम्प्लीटली एलेबोरेट करके बताएंगे। चलें उनसे भी इंटरव्यू कर लें। हाँ, ये एक और भी हैं भाई हमारे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अज़र भाई मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मिनट मुझे कॉल आ गई। थैंक यू फॉर कॉलिंग, दिस इज अनस। या किस चीज़ का इंटरव्यू कर रहे हैं? I don't know the roster you sent me, it says 130. Okay, thank you. तो अज़र भाई मैं ये पूछ रहा था जी, स्मोकिंग के क्या फ़ायदे हैं, स्मोकिंग करने से क्या मिलता है? स्मोकिंग करने से आपका हाजमा सही रहता है। अच्छा तो जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनको क्या कब्ज रहती? उनको कुछ ऐसे ही होगा। वो लोग एजिलॉक्स यूज करते हैं। एजिलॉक्स तो आपके रूम में भी पड़ी है सर? पड़ी है ना वो। बड़ी यार, लेकिन हम यूज नहीं करते वो। हमने सर, मेरे सर फ्लैट मेट्स के सामने ऐसे की बातें नहीं करते, उनके राज पता होते हैं। मेरे रूम में जो है वो काफ़ी सारी मेडिसिन पड़ी हुई है, जिसको कोई भी तकलीफ होती है तो वो मेरे रूम में से आके मेडिसिन ले ही जाता है। मीन आप कह, छोटा सा मेडिकल स्टोर है। दुनिया में कितने लोग हैं जिन जो स्मोकिंग करते हैं, आधे से ज़्यादा या सारे लोग स्मोकिंग करते हैं? सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? सब लोग दुनिया में स्मोकिंग करते हैं? 60-70% दुनिया में लोग स्मोकिंग करते हैं। अभी हमारे होटल में इस टाइम कितना स्टाफ है? तकरीबन 750 है ना, मोर देन 750 है। हाँ तो उसमें से करते होंगे 500 करते होंगे। 500 लोग स्मोकिंग करते हैं जी? बिल्कुल। तो इसका मतलब बाकी जो 250-300 उनका मैदा ख़राब है? नहीं, उनको लगाना पड़ेगा सिगरेट पे ताकि उनका मैदा भी ठीक हो जाए। टीम वर्क करेंगे इसके लिए हम। अच्छा, कैंपेन चलाएंगे इसके लिए ताकि। अच्छा, अभी अभी जो मेरे से सवाल है ना, उसमें आप दोनों ने बारी बारी जवाब देना, ठीक है? ये सवाल बहुत अहम है। आप चाहेंगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी स्मोकिंग करे? ये तो आपने इमोशनल क्वेश्चन कर दिया। जवाब दें आप, ये ना बताएं सवाल कैसा है। नहीं, वो तो है, लाजमी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा इसको। आप चाहेंगे या नहीं? कभी भी नहीं। कभी सर इंशाल्लाह आप 12 अक्टूबर को रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हो रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपका बेटा या बेटी स्मोकिंग करे? जब होगा तो तब देखेंगे, अभी तो हम इंशाल्लाह अल्लाह आपको देगा अगर हो। चलें ठीक है, उसको छोड़े। आपके भाई का तो बेटा है ना? हाँ बिल्कुल है। आप उसको सजेस्ट करेंगे कि स्मोकिंग करो? हाँ, अगर अच्छी वाली पिए ज़रूर करेंगे। हैं? और अपने बेटे बेटी को? सर ये देख, चाहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप चाहते हैं या नहीं? नहीं, ऑफकोर्स नहीं चाहता। चलें इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अज़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया।